एजुकेशन में अभी हम पूरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार एक पूरा रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके अंतर्गत हमारे बीएड कॉलेज, जितने प्राइवेट कॉलेजेज हैं, महाविद्यालय हैं जो, और हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सब उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे लाएंगे और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले। और कोचिंग सेंटर्स में जो अनाप शनाप फीस बढ़ी है, मनमर्जी के जो फीस ले रहे हैं, गरीब के बच्चे को वहाँ जगह नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल के लिए अथॉरिटी का जो है चल रहा है, वो जल्दी तैयार हो जाएगी। सभी ला से, सब डिपार्टमेंट से उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करवानी हैं। और यूनिवर्सिटीज़ का बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ को भी एक छतरी के नीचे ला के इनके सिलेबस वगैरह भी एक जैसे करने का हम प्रयास करेंगे। सर, कोटा शिक्षा नगरी है और कोचिंग यहाँ पर नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी होती है, तो क्या वो भी इस दायरे में आएंगे? बिल्कुल, वो भी इस दायरे में आएंगे, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में किस तरीके से भेड़ बकरी की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अनाप शनाप फीस, मनमानी फीस ले रहे हैं, जिसका भी थोड़ा सा नाम हो जाता है वो अनाप शनाप फीस लेता है, गरीब के बच्चे को यहाँ जगह नहीं मिलती, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करवाएंगे। गुरुकुल यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा छाया हुआ है। गुरुकुल का तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वो उसने कोई गलत कागज दिए, उसकी जांच हो जाएगी। जो जांच कमेटी वहाँ गई थी, अगर उसने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई कानून है सब चीज़ों के लिए, और उसमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वीसी अमेरिका सिंह के खिलाफ भी कोई फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने? वीसी अमेरिका सिंह के खिलाफ फर्जीवाड़ा का तो मेरे को नहीं पता, मगर उनका इसमें जो ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी थी, इसमें उनके निरीक्षण कमेटी में वो भी थे, तो जो लोग गए थे, जिन्होंने मौका मुआयना किया है, उसके उस फाइल को हमने पूरा चेक करवा लिया है, और उसमें जो जो लोग हैं उनका कितना दोष है, और उसके बाद उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए वो वीसी बने हैं, सरकार जा रही है, उसकी अलग से जांच हो रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के से बने हैं या जो भी, उसमें विधानसभा में भी ये बात आई थी, और उसकी हमने कमेटी बना दी है, क्योंकि मानी इसमें वीसी जो बनते हैं उसका पूरा प्रोसेस होता है।